ये बदना शरीफ है, वजू करने का लोटा शरीफ जी। ये लोटा शरीफ हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह और आप ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काजी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद भी हैं। इसी लोटे शरीफ में काजी साहब ने एक बार पानी भरा और बादशाह शमसुद्दीन अल्तमस उनकी पूरी 32,000 फौज को पानी पिलाया। दोस्तों आज मैं आपको हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक की ज़ियारत कराऊंगा। दोस्तों हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं। हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ कहाँ पर है, हजरत की क्या करामत है और आप हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक की ज़ियारत के लिए कैसे आएँगे, इंशाअल्लाह आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। ये हजरत का मज़ार मुबारक है, हमने यहाँ पर फुल पेश कर दिया है। आप हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के औलाद में से हैं। सब्सक्राइब कीजिए हज़रुल रहमत चैनल को और इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हज़रुल आप देख हज़रुल रहमत चैनल। दोस्तों अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली महरौली शरीफ में और आज मैं आपको हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की ज़ियारत कराऊंगा। दोस्तों हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ दिल्ली महरौली शरीफ में कहां पर है और आप हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की ज़ियारत के लिए कैसे आएंगे और हज़रत की क्या करामत है, इंशाअल्लाह आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली महरौली शरीफ में और आज मैं आपको हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की ज़ियारत कराऊँगा। दोस्तों हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं। ये आप देख सकते हैं सामने ही बोर्ड लगा हुआ है हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ का। दोस्तों पहले हम लोग हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार मुबारक की ज़ियारत करेंगे और फिर हम लोग हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक की ज़ियारत करेंगे। ये आप देख सकते हैं दोस्तों ये महरौली शरीफ है और इंशाअल्लाह अभी हम इस तरफ से जाएंगे। दोस्तों अभी हम इस तरफ से आए हैं और अभी हम इस तरफ जाएंगे। ये आप रास्ता देख सकते हैं, अभी हम इस तरफ जाएंगे। दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दरगाह शरीफ के करीब में, ये आप देख सकते हैं दरगाह शरीफ का बोर्ड लगा हुआ है और अभी हम इस तरफ जाएंगे। ये आप मंज़र देख सकते हैं दरगाह शरीफ के करीब का ही ये मंज़र है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ के बिल्कुल ही करीब में। ये हज़रत की दरगाह शरीफ का गेट है और इंशाअल्लाह अभी हम ज़ियारत के लिए इसी गेट से जाएंगे। ये हज़रत की दरगाह शरीफ का गेट है, ये अभी हम दरगाह शरीफ में आ गए हैं और ये आप मंजर देख सकते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काफ़ी खूबसूरत मंजर है दोस्तों हज़रत की दरगाह शरीफ का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी हम यहाँ से फूल लेंगे। दोस्तों हमने फूल ले लिया है और अभी हम ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये आप दरगाह शरीफ का मंज़र देख सकते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
दोस्तों ज़ायरीन यहाँ पर वज़ू बनाते हैं, ये वज़ू खाना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं ज़ायरीन यहां पर मन्नत के धागे बांधते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों अभी हम लोग हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थान मुबारक में आ गए हैं और आप हमारी वीडियो के ज़रिए से हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक की ज़्यारत कर सकते हैं। ये हज़रत का मज़ार मुबारक है। आप हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के आप सबसे पहले खलीफा है, आप जानशीन हैं हुजूर गरीब नवाज के। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये आप ज़्यारत कर सकते हैं दोस्तों हमारी वीडियो के ज़रिए से हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक की। और इंशाल्लाह अभी हम हज़रत के मज़ार मुबारक में फूल पेश करेंगे और फिर हम लोग हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक की ज़्यारत के लिए जाएंगे और वहाँ पर फूल पेश करेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़ायरीनों ने अपनी अर्ज़ियाँ पेश की है। जो आप देख रहे हैं ये अर्ज़ी है जो ज़ायरीनों ने सरकार हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ में पेश की है। दोस्तों हमने हज़रत के मज़ार मुबारक में फूल पेश कर दिया है। और ज़ायरीन यहाँ पर अगरबत्ती पेश करते हैं, ये आप देख सकते हैं ज़ायरीन यहाँ पर अगरबत्ती पेश करते हैं और यहाँ पर चिराग पेश करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप ज़ियारत कर सकते हैं दोस्तों हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की हमारी वीडियो के ज़रिए से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक की ज़्यारत के लिए। सुभान अल्लाह। इस तरफ है दोस्तों हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों ये हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है। आप हमारी वीडियो के ज़रिए से ज़्यारत कर सकते हैं। हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह से मुरीद हैं।
हज़रत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के आप खलीफा हैं, और आप हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के आप उस्ताद हैं, और हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के आप खलीफा भी हैं। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थान मुबारक के बिल्कुल ही करीब में आपका मज़ार मुबारक है। दोस्तों, हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह ने बादशाह शमशुद्दीन अल्तमश की फ़ौज को आपने एक लोटे में पानी भर के पूरी फ़ौज को आपने पानी पिलाया था, और पूरी फ़ौज ने उस एक लोटे के पानी से पूरी फ़ौज ने पानी पिया था, लेकिन वो पानी फिर भी ख़त्म नहीं हुआ था और वो लोटा आज भी मौजूद है रोल शरीफ दरगाह में। रोल शरीफ दरगाह नागौर शरीफ में है, और मैंने रोल शरीफ दरगाह का वीडियो बना करके हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप चाहे तो हमारे चैनल पर जाकर के वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अभी हम हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक में फूल पेश करेंगे। अभी हम फूल लेकर के आए हैं। हमने हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक में फूल पेश कर दिया है, और अभी हम हज़रत के मज़ार मुबारक में फूल पेश करेंगे। दोस्तों, हमने हज़रत के मज़ार मुबारक में फूल पेश कर दिया है, और अभी हम इस तरफ जाएंगे, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। तुम अपने मम्मी के पास चलिए चलिए। दोस्तों, अभी हम यहाँ पर फूल पेश करेंगे। ये मज़ार मुबारक हज़रत मौलाना फ़खरुद्दीन फ़करे जहाँ देलवी रहमतुल्लाह अलैह का है। आप हमारी वीडियो के ज़रिए से हज़रत मौलाना फ़खरुद्दीन फ़करे जहाँ देलवी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक की ज़ियारत कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। दोस्तों, हमने हज़रत के मज़ार मुबारक में फूल पेश कर दिया है, और आप इस तरफ देख सकते हैं यहाँ पर ज़ायरीन अगरबत्ती पेश करते हैं, और आप हमारी वीडियो के ज़रिए से हज़रत के मज़ार मुबारक की ज़ियारत कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी हम इस तरफ जाएंगे, और इस तरफ का क्या मंज़र है इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये मज़ार मुबारक हज़रत माई साहिबा रहमतुल्लाह अलैह का है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है माई साहिबा। दोस्तों, अभी हम यहाँ पर फूल पेश करेंगे। आप हमारी वीडियो के ज़रिए से मज़ार मुबारक की ज़ियारत कर सकते हैं। ये हज़रत का मज़ार मुबारक है, हमने यहाँ पर फूल पेश कर दिया है। आप हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के औलाद में से हैं। आपका मज़ार मुबारक हज़रत मौलाना फ़खरुद्दीन फ़करे जहाँ देलवी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक के बिल्कुल ही करीब में है, ये आप देख सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आप देख सकते हैं ज़ायरीन यहाँ पर मन्नत के धागे बांधते हैं। ये मन्नत के धागे बंधे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं।
दोस्तों मैंने आपको ज़ियारत करा दिया है हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक की, और मैंने आपको ज़ियारत करा दिया है हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक की। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, और आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, वीडियो के बारे में कुछ बोलना है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी पहुँचे आप तक सबसे पहले। दोस्तों अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लीजिए, मैं वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट करता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट शो में, जब तक के लिए बाय बाय।